पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और उनके जीवन में तमाम तरह के सुख दुख के साथ ही मजाकिया स्नेह भी रहता है, जिसे सुनकर लोग लोटपोट हो जाते हैं। अगर आप भी अपने टेंशन भरे मूड को फ्रेश करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं कुछ चुटकुले। पति पत्नी के ये चुटकुले देखेंगे तो लोटपोट होकर हंसेंगे। पहला जोक, कोई भी काम सही तरह से नहीं। आप कोई भी काम सही तरह से नहीं करते हो। अब क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल आपने गैस सिलेंडर बदला था। हाँ बदला था तो क्या हुआ? पता नहीं कैसे बदला था, कल से दो बार दूध उबला, दोनों बार ही दूध फट गया। जोक दो, पति की क्या गलती है? बाजार से एक दूध का पैकेट ले आओ और हाँ, अगर बाजार में नींबू दिखे तो 5 लेके आना। पति बाजार से दूध के 5 पैकेट ले आया। आप दूध के 5 पैकेट क्यों लाए हैं? हाँ मैं 5 पैकेट लाया क्योंकि बाजार में नींबू दिख गए थे। जोक तीन, महीने का हिसाब। पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं, कहाँ कहाँ खर्च हुए। पत्नी ने हिसाब लिखना शुरू किया और बीच बीच में लिखने लगी। 800 रुपए भिजा की गे, 2000 रुपए भिजा की गे, 500 रुपए भिजा की गे। ये भिजा की गे क्या है? भगवान जाने किधर गए। जोक चार, बचना मुश्किल है। बीमार पति को लेकर पत्नी डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने मरीज की जांच पड़ताल की और बाहर आकर उस महिला से कहा, अपने पति को रोजाना पौष्टिक नाश्ता दीजिए, उन्हें हमेशा खुशमिजाज बनाए रखिए, किसी परेशानी पर उनसे बहस मत किया कीजिए, टीवी सीरियल देखना छोड़ दीजिए, टेंशन देने वाले काम जैसे नए कपड़ों और गहनों की मांग न करें। अगर आप साल भर तक ऐसा करेंगी तो आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहाँ से लौटते वक्त पति ने अपनी पत्नी से पूछा, डॉक्टर ने क्या बताया? पत्नी ने बहुत सरलता से जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है कि बचना मुश्किल है। जोक पांच, फिल्म का नाम क्या है? पति ने पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ करूँगी, क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस नदी में जाकर खड़ी हो जाना। बहुत अच्छा, फिल्म का नाम क्या है? गई भैंस पानी में। पत्नी तिलमिलाकर रह गई। अब पत्नी की बारी है, बोली, क्या मेरी फिल्म में काम करोगे? पति ने सोचा और कहा, बताओ क्या करना है? बस इस नदी से घर जाना है, फिर वापस यही नदी किनारे आना है, ऐसा 2-3 बार करना है। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब जियोस क्रिएशंस।